शनिवार को माथुर चतुर्वेदी परिषद के द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर आगामी कंसबद मेला की जानकारी दी गई, जिसमें परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक, मीडिया प्रभारी राकेश गिरधारी लाल पाठक सहित कई लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि ये कंसबद मेला मथुरा का प्राचीन मेला है, जो इस बार यह मेला 4 तारीख से शुरू होगा और 8 तारीख को दीपदान के साथ समाप्त हो जाएगा। इस बार 4 तारीख को सुबह 9 बजे विश्राम घाट पर गौचारण लीला, शाम 6 बजे गौचारण शोभा यात्रा, 5 तारीख को विराट कवि सम्मेलन यमुना जी के पानी में होगा, जो कि बहुत ही मनोरंजक होगा। 7 तारीख को प्रसिद्ध कंस बद लीला होगी, जो कि कंस टीले पर होगी, जिसमें समाज के लोग लट्ठों से कंस का वध करेंगे। उसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 8 को पुण्य विश्राम घाट पर दीपदान के साथ समापन होगा। 10,000 दीपकों का दीपदान होगा, जिसमें बड़ी संख्या में चतुर्वेदी और मथुरावासी भाग लेंगे। हर साल की भांति 4 तारीख को, 4 नवंबर को माथुर चतुर्वेदी परिषद गौचारण लीला का आयोजन करेगी। सुबह इसकी लीला विश्राम घाट पर होती है और शाम को 4 बजे कृष्ण बलराम अपनी शोभा यात्रा से गोपालबाग जाते हैं भीक्षण सेठ गली से, और शाम को वो यात्रा वापस आती है। 5 तारीख को नवमी के दिन विश्राम घाट पर हमारे कवि सम्मेलन होगा, जिसमें भारतवर्ष से विभिन्न विभिन्न कवि आएंगे और उसका आनंद यहाँ की जनता उठाएगी। 7 तारीख को कंसबद्ध मेला है। हर साल की भांति कंस का पुतला हनुमान गली से कंस टीले पर जाएगा और वहाँ से जब भगवान कृष्ण बलराम इशारा करेंगे और उसको समाज चतुर्वेदी समाज के लोग कूटेंगे, उसके बाद वहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो विश्राम घाट पर आकर समापन होगा, और उसके बाद यमुना जी की आरती होगी। पहले होगी कृष्ण बलराम की आरती और उसके बाद यमुना जी की आरती होगी। और 8 तारीख को देव उठान एकादशी के दिन समाज के लोग, माथुर चतुर्वेदी परिषद के लोग दीपदान करेंगे। इसमें मैं सभी ब्रजवासियों से और बाहर से जितने भी तीर्थयात्री आए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, आप उसमें पधारें और इसकी शोभा बढ़ाएं। परंतु देखिए, आपने देखा इसमें हमारे में पिछले टाइम भी करीब 8 से 10,000 दीपक लगे थे विश्राम घाट पर, और ये एक मेला ऐसा है, एक हमारा शक्ति प्रदर्शन भी होता है। इसमें दुबई से, अहमदाबाद से, बम्बई से, लंदन से, जहाँ भी समाज के लोग बसे हुए हैं सब इसमें आते हैं और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। आप लोग भी देखते हैं दिन प्रतिदिन, ये एक ऐसा मेला है कि रामलीला तो सब जगह होती है परंतु कंसबद्ध लीला सिर्फ मथुरा में ही होती है। दूसरी जगह इसको शुरू किया है परंतु ये लीला यहीं होती है, और आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन इसका विकास हो रहा है और भी जगह जा रही है। परंतु ये जो मैं आपके माध्यम से अभी बात कर रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है यमुना प्रदूषण। मैंने अभी भाई दूज पे भी देखा, रमेश बाबा की यात्रा में भी एक दो लोगों की मृत्यु हो गई। समय समय पे आंदोलन चलता रहता है। मैं आपके माध्यम से भी ये चाहूँगा और हम लोगों के मेले में भी अब के हम ये चर्चा करेंगे कि इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई पर ले जाया जाए। आप नमामि गंगे की तर्ज पर भी देखते हैं, बड़ा दुख होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आते हैं, यहाँ पर मंत्री भी हैं, परंतु कोई भी यमुना सफाई की बात नहीं करता। तो हम चाहेंगे कि आपका भी हमको सहयोग मिले, हम लोग भी इसमें अपना निर्णय लेंगे परिषद में बैठ करके, और जो हमारी अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की मीटिंग नासिक में होने जा रही है 19-20 तारीख को, हम उसमें भी सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठ कर निर्णय लेंगे और अब के इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि यमुना शुद्धिकरण अवश्य हो। ये श्री कृष्ण महोत्सव कंसबद मेले का आयोजन 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक किया जा रहा है। 4 नवंबर को गोपाष्टमी में प्रातः 10 बजे भगवान कृष्ण की गौचारण लीला का आयोजन होगा। 4:30 बजे गली से भीक्षण से भगवान कृष्ण बैंडवाजों के साथ गोपाल आश्रम में पुराने बस स्टैंड के समक्ष जाएंगे, वहाँ ठाकुर जी की लीला का मंचन होगा, उसके बाद भव्य शोभा यात्रा
निकलेगी जिसमें दो झांकी बैंड नफीरी इत्यादि होंगे। 5 तारीख को अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा और 7 तारीख को कंस वध मेले का आयोजन होगा जिसमें विभिन्न बैंड झांकियां ये सब आगे लाई जा रही हैं। ग्वालियर से हैं और तुम्हारे नासिक से हैं, इनका आयोजन किया जा रहा है और एक ये बहुत ही भव्य मेला चतुर्वेदी समाज का होता है।